आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। एमडी जैन इंटर कॉलेज में बनाई गई अस्थायी जेल में निरुद्ध 24 बंदियों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद जिला कारागार में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। वायरस से बचने के लिए अस्थायी जेल में सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। एमडी जैन इंटर कॉलेज में बनाई गई स्थायी जेल में निरुद्ध 3 महिलाओं समेत 24 बंदियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद बंदियों को जिला कारागार में शिफ्ट कर दिया गया। कार्यवाहक डिप्टी जेलर कृपाल सिंह का कहना है कि स्थायी जेल में वर्तमान में 67 बंदी निरुद्ध है। अस्थायी कारागार में निरुद्ध बंदियों की 24 बंदियों की जाँच करवाई गयी थी कोविड-19 की, जिसमें 21 पुरुष 3 महिलाएं थी। सबकी रिपोर्ट निगेटिव आई हुई है। निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद उनको जिला कारागार आगरा स्थानांतरित कर दिया गया है। आज सोशल डिस्टेंसिंग सर काफ़ी स्पेस है, सबको सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार ही रखा गया है और उनको जब समय समय पर सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जा रहा है और सैनिटाइज भी करवाई जा रही है कारागार। 67 बंदी इस समय निरुद्ध हैं। 24 बंदियों को ट्रांसफ़र कर दिया गया है जिला कारागार आगरा। उसके बाद 67 बंदी इस समय निरुद्ध हैं, जिनमें से 4 महिलाएँ और 63 पुरुष उपलब्ध। अस्थायी जेल में निरुद्ध बंदियों की समय समय पर थर्मल स्क्रीनिंग कराई जा रही है, जिससे कोरोना वायरस के लक्षणों का पता चल सके। किसी भी बंदी की तबीयत बिगड़ने पर जिला जेल अस्पताल के चिकित्सक इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। डॉक्टर सुधांशु का कहना है कि अस्थायी जेल में बंदियों को मास्क लगाने और साफ सफाई रखने की हिदायत दी गई है, जिससे वो वायरस से बच सके। बंदियों को सबसे पहली सलाह तो ये दे रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगा के रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, साबुन से हाथ धोएं, और अगर किसी को किसी प्रकार की तकलीफ होती है, बुखार जुकाम की तकलीफ दिखती है तो तुरंत हमें बताएंगे और डेली हम आते हैं और उनको लक्षण के आधार पर उपचार देते हैं। जिला जेल के हालात, बंदियों के समय स्वास्थ्य की स्थिति ठीक है। कुछ 10-12 मरीज अभी एडमिट हैं लक्षणों के आधार पे, और कुछ बंदियों को अलग रखा गया है जो कि क्वारंटाइन होके आए थे बरौली अहीर से, उन्हें अलग बैरक में रखा गया है ताकि उनका अलग से देखभाल हो सके। जिला कारागार में कोरोना पॉजिटिव मिले 3 बंदियों को बरौली क्वारंटाइन सेंटर में जिला जेल में भेज दिया गया है, लेकिन पॉजिटिव आए बंदियों को अलग बैरक में रखा गया है। इसके साथ ही कोरोना के लक्षण दिखने पर दर्जन भर से अधिक बंदियों को जिला जेल के अस्पताल में एडमिट किया गया है। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।